नारायण कल्पना अपने मन से की जाती है और ध्यान या भावना शास्त्र सद्गुरु और श्रद्धा ध्यान और भावना में अपनी श्रद्धा होती है और अनुशासन होता है और मन में जो कल्पनाएं आती रहती हैं उनमें न तो श्रद्धा होती है और न तो अनुशासन होता है। इसलिए ध्यान और भावना करने के लिए एक बताने वाला श्रद्धेय सद्गुरु चाहिए और वो सद्गुरु भी अपौरुषेय ज्ञान का जो संविधान है उसके अनुसार चाहिए। और कल्पना अपने मन से आप चाहे जैसी कर सकते हैं, उसमें आपकी स्वतंत्रता है। कल्पना में एक लक्ष्य का टिका रहना कठिन है और धारणा एक स्थान में होती है, ध्यान कुछ मात्राओं की गणना से काल की प्रधानता से होता है और समाधि ध्येय वस्तु में तन्मयता से होती है। तो देशबंधस चित्तस्य धारणा तत्रैकतानता ध्यानम्। इसलिए अपने मन की कल्पना का नाम भावना या ध्यान नहीं है, श्रद्धा पूर्वक संविधानानुसारी सद्गुरु के आदेश से जो ध्यान होता है, भावना होती है, वह साधन होती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है ध्वनि की और रूप की, और एक कोई चित्र कोई मूर्ति सामने दिखे कि नहीं दिखे। आपको क्या बताना है, एक तरह के लोग ऐसे होते हैं जो बना बनाया चित्र देखने में सुख का अनुभव करते हैं और जो चित्रकार होता है वो उसमें रेखा का विन्यास कितना ठीक हुआ है उस पर ध्यान देता है। आंख है, भौं है, अनुग्रह वर्षी भाव है, प्रेम वर्षी नेत्र है, आनंद वर्षी होठ है, सौरभ्य है, सौंदर्य है, माधुर्य है, सौकुमार्य है, सौश्वर्य है। अब एक जो रेखा से बने हुए चित्रों की ओर न देखकर उस रेखा में जो बिंदु हैं उनको देखता है, बिंदु बिंदु के विन्यास विशेष से ही रेखा बनती है और उस रेखा में अलग अलग बिंदु होते हैं और आंख से भले रेखा एक दिखती हो परंतु सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से देख उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं है,
जैसे खुर्दबीन, जैसे उर्दू में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अच्छा हाँ, वो हमको आता नहीं, शब्द का उच्चारण नहीं आता। उससे देखें तो एक बिंदु का दूसरे बिंदु के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, इसलिए रेखा लगती तो ये है कि एक है, परंतु बिंदु अलग अलग होने से वो अलग अलग होते हैं। अब बिंदु को देखें तो उसमें न लंबाई है न चौड़ाई है, केवल स्थान है। तो इस तरह से आप एक चित्र को देखकर आनंद लेते हैं, उसकी रेखाओं के विन्यास को देखकर आनंद लेते हैं, उसमें बिंदुओं का अनुसंधान करते हैं, और अंततो गत्वा वे बिंदु जिस स्थान में हैं उसको पकड़ते हैं। वेदांत की दृष्टि से बिंदु का जो आधार है, आश्रय है, उसको अधिष्ठान कहते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी है उसकी दृष्टि को अधिष्ठान पर ले जाने में ये चित्र रेखाओं के द्वारा और बिंदुओं के द्वारा और बिंदु के अधिष्ठान चिंतन के द्वारा सहायक हुआ। अब रही बात सोहन की, समझ लो कि आपके शरीर में एक ध्वनि है, आप हारमोनियम बजाते हैं, उस पे भिन्न भिन्न स्थानों पर अपनी उंगली रखते हैं, सरिगम पधनी भिन्न भिन्न रूप में निकलता है। सितार बजाते हैं और बांसुरी बजाते हैं, भिन्न भिन्न छिद्रों पर अपना हाथ रखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो इस प्रकार मूलतः ध्वनि के एक होने पर भी उसमें आ का चा टा ता पा ये अक्षर निकलते हैं, अक्षरों से बनता है पद, और पद से बनते हैं वाक्य, और वाक्य से हम अर्थ को ग्रहण करते हैं। अब एक ध्वनि में अनेक ध्वनि कहां से आई? तो हमने थोड़ा गले को दबाया का, थोड़ा पा ओठ को दबाया तो पा, थोड़ा भीतर की ओर दबाया तो या रा ला वा। ये एक ही ध्वनि के उपाधि भेद से अनेक शब्द और अनेक ध्वनियां बन जाते हैं। अब ये ध्वनि जिसको मालूम पड़ती है वहां तक ले जाने के लिए ये ध्वनियां होती हैं। शब्द जो बाहर के अर्थ बताते हैं, ये घड़ा है, कपड़ा है, मेज है, कुर्सी है, वे तो झूठे भी हो सकते हैं, जादू के भी हो सकते हैं, सच्चे भी हो सकते हैं, परंतु शब्द जिसमें से निकलता है, जो शब्द का मूल है, जिसको शब्द मालूम पड़ते हैं, वो झूठा नहीं हो सकता। तो शब्द अपने बाहरी अर्थ को प्रकट करने के लिए नहीं होते हैं, अपने वक्ता के अस्तित्व को प्रकट करते हैं असंदिग्ध रूप से। वचन का वक्ता असंदिग्ध रूप से सत्य है, और बिंदुओं का अधिष्ठान असंदिग्ध रूप से सत्य है,
और जहां बिंदुओं और ध्वनियों को हम अलग कर देते हैं वहां चेतन और अधिष्ठान दोनों एक हो जाते हैं। यदि जानने वाला त्वम है तो अधिष्ठान के रूप में तत् है और वहां एक सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए ध्यान और भावना एक लक्ष्य की प्राप्ति के साधन होते हैं और जो कल्पनाएं होते हैं वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं होते हैं, वो उटपटांग जैसे सपने बेतरतीब आते हैं वैसे कल्पनाएं भी बेतरतीब उठती रहती हैं और उनका साधन पक्ष में कोई महत्व नहीं है। ध्यान और भावना का महत्व तो है परंतु कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है।